Hello students, welcome back. Now I will continue your exercise 1B of the class 8. आपको होमवर्क प्रीवियस होमवर्क था आपका मिला हुआ 1 to 5. तो 1 to 5 में उसने प्रॉब्लम बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में. 5 बहुत ही इजी था, इसका कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपका 5 नंबर जो है नेम द प्रॉपर्टी ए में जो था 3/4 + 1/3 = 1/3 + 3/4. दैट इज आपको ये देखिए डेसिमल नंबर आप देख रहे हैं इक्वल के लेफ्ट साइड पे और इक्वल के राइट साइड पे. दो डेसिमल नंबर गिवन है, एक लेफ्ट साइड पे दो डेसिमल नंबर गिवन है और दो राइट साइड में है गिवन इक्वल के. तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है उसको सेकेंड में लिख दिया हुआ है राइट साइड, और जो सेकेंड में था उसको फर्स्ट में लिखा हुआ है और ऐड ही किया जा रहा है. तो केवल साइड चेंज कर साइड चेंज करके ऐड कर देना, दैट मींस सेकंड को फर्स्ट की जगह लिख देना, फर्स्ट को सेकंड की जगह लिख देना. ये आपको मैंने प्रॉपर्टी के लिए इंपर करने के लिए दिया था. उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे जब आप फर्स्ट वाले वैल्यू को सेकंड में पुट कर दे, सेकंड वाले को फर्स्ट में पुट कर दे और एडिशन करें तो दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है. तो ये किस प्रॉपर्टी से होता है, तो मैंने ये बताया था आपको किस प्रॉपर्टी से होता है. ये आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से होता है जो कि आप पढ़ चुके थे, जो कि आपको मैंने इनवर के लिए दिया था. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये होता है कम्यूटेटिव. यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का नेम नहीं लिखा था, बस नेम की प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आंसर बस आपको यही लिखना है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आंसर में ये लिखना है. सर बी में देखिए क्या है, बी में देखते हैं सेकंड फर्स्ट और सेकंड दो डेसिमल नंबर को ब्रैकेट में रखा हुआ है, थर्ड को विदाउट ब्रैकेट है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो वैल्यू है वो फर्स्ट डेसिमल नंबर है वो विदाउट ब्रैकेट है और सेकंड और थर्ड ब्रैकेट के साथ में. और देख रहे हैं तीनों डेसिमल नंबर लेफ्ट में और राइट में सेम ही है और एडिशन किया जा रहा है. तो ये प्रॉपर्टी आप किस प्रॉपर्टी में ऐसा पड़े कि पहले फर्स्ट टू के साथ ब्रैकेट लगा रहे और फिर लास्ट टू के साथ ब्रैकेट लगा रहे एडिशन हो, तो यहाँ पढ़े हुए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बेसिस. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये पढ़े हुए हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो फर्स्ट और सेकेंड डेसिमल नंबर को पहले ऐड किया जाता है एंड देन थर्ड नंबर को, और फिर तो सॉरी और तो उसका एडिशन जो होता है, उसका सम जो होता है वो इक्वल होता है किसके, तो जो फर्स्ट डेसिमल नंबर को छोड़कर हम पहले सेकेंड और थर्ड को ऐड कर लें और फर्स्ट को बाद में ऐड करें, तो दोनों का सम जो होता है इक्वल ही होता है. किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से करते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बस ऐसे आपको लिखना है. सिक्स से आपको आगे का होमवर्क मिल रहा है, रेस्ट होमवर्क आगे मिलने जा रहा है. सिक्स में आपको वेरीफाई करना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सिक्स, यानी आपको देख रहे हैं ये किसे वेरीफाई कर रहे हैं, आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही वेरीफाई करने वाले हैं. हमें देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने वाले एक्स प्लस वाई वाई प्लस सिक्स. डेट मीन्स ये बस फर्स्ट नंबर को सेकंड में कर दिया गया और सेकंड को फर्स्ट में कर दिया गया, बस कोई डिफरेंस नहीं, बस आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना. तो वेरीफाई होगा ही, इक्वल आएगा ही, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है वो इक्वल ही सम होता है, सम इक्वल ही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का. तो हम वेरीफाई कर रहे थे एक्स का वैल्यू 5/7 गिवन है और वाई का वैल्यू -3/2 गिवन है. एड्रेस में एक्स का वैल्यू पहले पुट करना वाई का बाद में और तब उसका देन सम निकालना है. तो मैंने पुट करके ऐसे देखिए सम निकाल चुका हूँ. पहले यहाँ पे नेगेटिव डेसिमल नंबर था, नेगेटिव असल ब्रैकेट में रखा है, फिर अब ब्रैकेट हटाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, दैट देन यहाँ माइनस पुट किया गया और देन सब्सट्रैक्ट करके -11/14 यहाँ पे आया. अब राइट साइड में था वाई प्लस एक्स, पहले वाई का वैल्यू पुट करना था देन एक्स का, तो मैंने ऐसे ही पुट किया. तो अब देख रहे हैं अब ये दोनों का साइन डिफरेंट है, डिफरेंट है मतलब. तो मैंने एलसीएम निकाले 4/7 / 14, क्योंकि एडिशनल नंबर का ये ऐड है, एलसीएम 14 आ गया. अब आगे दोनों का साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 11 20/10 का 11 साइन बड़े वाले नंबर का लेते हैं, ग्रेटर नंबर का लेते हैं, तो ग्रेटर नंबर का साइन माइनस में से माइनस साइन दिया गया. तो देख गया दोनों आपका एलसीएम और आरसीएम इक्वल ही आया, इसलिए ये वेरीफाई हो चुका है एलसीएम इक्वल टू आरसीएम. ऐसे वेरीफाई करना है. 10 में है 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. 7, 8 और 9, 7 में ऐड करना, दो डेसिमल नंबर गिवन है उसको ऐड करना, वो आप कर लेंगे. 8 में सब सब्सट्रैक्ट करना है,
बीच में फ्रॉम दिया हुआ, फ्रॉम दिया तो आप बात ये ध्यान रखेंगे कि सेकेंड डेसिमल नंबर को फर्स्ट में लिख देंगे और बीच में माइनस देकर फर्स्ट नंबर फर्स्ट डेसिमल नंबर को सेकेंड में लिखकर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाइन में भी सब्सट्रैक्ट करना है आपको और टेन में सिंप्लीफिकेशन है जो कि ऐड सब्सट्रैक्ट दोनों है, तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए पहले तो आपको दिया हुआ है 3/5 प्लस 4/6 प्लस ब्रैकेट अंडर -2/3, तो आपको ये तीनों को ऐड करना है। तो पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं, 5/3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे आप 15 आ जाएगा, 15 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब 5 से 15 3 टाइम्स करेगा 3 या 9 और 9 लिख दिया, प्लस का सिंबल प्लस का लगा दिया मैंने, 3 से 15 5 टाइम्स करेगा 5/4 20 और 20 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप दे रही है ध्यान रखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ पे लगा देंगे हम, यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस होगा, यहाँ पे ऑलरेडी तो माइनस मैंने लगा दिया। 3 से 15 कितना करेगा 5 टाइम्स, 5 2 10 अब हम पहले सेम साइन वाले को ऐड कर लेते हैं, सेम साइन 9 है और 20 है, दोनों प्लस का सिंबल प्लस का साइन के साथ में, तो 9 और 20 ऐड करें 29 हो जाएगा, 29 यहां लिख देंगे, उसके बाद माइनस लिख देना, माइनस लिख देंगे ये बस की में। अब लास्ट बच गया वो 29 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 29 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट मींस 19/50 या पैंस बस सॉल्व करना है आपको। इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐसे ही आपको आंसर ऐसे भी आपका आंसर चाहिए। 15 नहीं है आपको, 15 to 23 आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको खुद से कंप्लीट करेंगे आप 15 to 23। और एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, फर्स्ट 15 में है व्हाट शुड बी एडेड टू -5/8 टू गेट 2, यानी -5/8 में आप कौन सा नंबर ऐड करें, कौन सा डेसिमल नंबर ऐड करें कि 2 आए। तो मैंने मान लिया रिक्वायर्ड नंबर भी x, यानी रिक्वायर्ड नंबर जो है वो x है, x ऐड करने पे -5/8 में आपको 2 आता है, 2 ऑफ आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमें हम x ऐड कर रहे हैं, तो x इसमें ऐड कर रहे हैं, किसमें बोला गया एड टू -5/8, तो -5/8 में ऐड करते हैं, इक्वल टू में गेट टू, गेट मतलब इक्वल टू, क्या आता है इक्वल में तो टू, देन हमें x क्या वैल्यू निकालना है, तो बाकी वैल्यू जाएगा साइड चेंज करेंगे, आफ्टर फर्स्ट हम साइड चेंज करें तो पहले साइन ब्रैकेट हटाएंगे, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा -5/8 इक्वल टू। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालेंगे तो पहले यहाँ पे जो नंबर है नेगेटिव डेसिमल नंबर उसको साइड चेंज करेंगे पॉजिटिव बदले 2 + 5/8, अब दोनों का हम ऐड कर दोनों डेसिमल नंबर को, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ 1 डालेंगे, अब देन आफ्टर हम ये यहाँ पे ऐड कर लेंगे 1/8 का एलसीएम 8 आएगा, 1 से 8 टाइम्स कटेगा 8 2 = 16 प्लस यहाँ पे 5, 16 + 5 दैट मींस 20 1/8, सिंप्लीफाई देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, दोनों सिंप्लीफाई यानी कटेगा नहीं, नहीं कट रहा है आपको, तो देन आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 21/8 हो गया, इस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकते हैं आपका रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर हो गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है टोटल एक्सरसाइज 1 में। थैंक यू।